ब्रह्मपुत्र, कृपया स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की इस संयुक्त सभा की कार्यवली पर प्रकाश डालिए। अवश्य देवेंद्र, अवश्य। ये सभा प्रशासन संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित की गई है, इसीलिए आप सभी ब्रह्म ऋषियों को पृथ्वीलोक से यहाँ आने का कष्ट दिया गया है। क्या यह सभा पृथ्वीलोक की समस्याओं पर भी विचार करेगी? निस्संदेह ब्रह्म ऋषि, निस्संदेह। तब तो हे देवेंद्र, इस सभा के लिए महर्षि विश्वामित्र को भी आमंत्रित करना चाहिए था। नारायण नारायण। इस सभा के लिए केवल ब्रह्म ऋषि ही आमंत्रित किए जा सकते थे ऋषिवर। परंतु आपत्ति में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है देवेंद्र। महर्षि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने में भी बहुत विलंब नहीं है। वे व्यक्तिगत सुख दुख शोक और आनंद की सीमाएं पार कर चुके हैं। उनके बिना पृथ्वीलोक के विषय में कोई भी निर्णय लेना न उचित है और ना ही संभव। इसलिए हे देवेंद्र, आप किसी को उनके पास भेजिए। तो फिर हे बृहस्पति, आप ही बताइए उसे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा जाए। नारायण नारायण, लगता है इसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। कारण ये है ब्रह्म ऋषि कि उनके लिए जो निमंत्रण है वो तो केवल एक अनुबोध है। वैसे भी आपकी और देवेंद्र की ओर से उनका मन यूं भी मैला है। कहीं उन्होंने आपसे पूछा नंदिनी दो तब चलूंगा, तब क्या होगा। नारायण, इसीलिए मेरे विचार से उन्हें बहला कर लाने के लिए मेरा ही जाना उचित है। वैसे आप या देवेंद्र जो उचित समझे करें। मैं ब्रह्मपुत्र नारद के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नारायण। नारायण नारायण। सादर प्रणाम देवऋषि। यशस्वी भव। यदि आपसे यह पूछना असभ्यता का प्रदर्शन न हो तो कृपया मुझे यह बताइए कि आपने मुझे दर्शन देने का कष्ट क्यों किया, क्योंकि बिना किसी कारण के तो आप कहीं आते जाते नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ऋषिवर, मैं तुम्हारे पास आऊं कैसे नहीं, तुम तो मेरे अपने हो। परंतु आज तो मैं स्वयं नहीं आया हूं, दूत बनाकर भेजा गया हूं। दूत? आप किसके दूत बनकर आए हैं ब्रह्मपुत्र? औपचारिकता तो ये कहती है कि मैं देवेंद्र का दूत हूं, परंतु वास्तव में मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का दूत हूं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ? आश्चर्य का तो यह विषय है ही। देवेंद्र ने स्वर्गलोक में एक सभा आयोजित की, पृथ्वीलोक से सारे ब्रह्म ऋषि बुलाए गए। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आज नहीं तो कल विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि हो ही जाएंगे, इसलिए उन्हें भी सभा में बुलाना चाहिए। यह सुनकर देवेंद्र को बड़ी आपत्ति हुई। तुम तो जानते ही हो
तुम्हारा नाम सुनते ही उनका रक्त खौलने लगता है। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने यह कहा कि मैं आज नहीं तो कल ब्रह्म ऋषि बन ही जाऊंगा, इसलिए मुझे बुला लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ऋषिवर। उन्होंने कहा कि तुम्हें बुलाना अति आवश्यक है। तो प्रश्न उठा, जाए कौन? नारायण, इसीलिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। यदि कोई और आया होता तो हे ब्रह्मपुत्र, मैंने देवेंद्र या ब्रह्म ऋषि का आमंत्रण स्वीकार भी न किया होता। मैं ब्रह्म ऋषि बन जाने के उपरांत ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के दर्शन करता, किंतु आप मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए चलिए। नारायण नारायण। हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, स्वर्ग में तो सदैव ऋतुराज का वातावरण रहता है, किंतु लगता है यहां शीतकाल चल रहा है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो आपके स्वर में यूं माधुर्य न होता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सादर प्रणाम। ब्रह्म ऋषि भव, मैं आपके आशीर्वाद के मार्ग पर चलकर ब्रह्म ऋषि बनना नहीं चाहता ऋषिवर। मैं उस लक्ष्य तक अपनी तपस्या के मार्ग पर चलकर पहुंचूंगा। स्थान ग्रहण कीजिए महर्षि। जो आज्ञा देवगुरु। इस सभा में ब्रह्म ऋषि, तत्ववेत्ता व दार्शनिक विराजमान हैं। आप मेरी इस शंका का समाधान करें कि सृष्टि में वो क्या है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो सबसे बहुमूल्य है। न्याय, ज्ञान, धन, आनंद, भक्ति। ब्रह्म ऋषि, आप इतने मौन क्यों हैं? सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है सत्य, सत्य से उत्तम कोई नहीं, सत्य ही सर्वस्व है। परंतु उस सत्य की मर्यादा की रक्षा इतनी सुलभ नहीं, वो तो तलवार की धार पर चलने के समान है। नारायण, तो इस सत्य के व्रत का पालन करने वाला कोई है? क्यों नहीं, सत्यव्रत महाराज के सुपुत्र अयोध्याधीश हरिश्चंद्र सत्यव्रती हैं। आप हंस क्यों पड़े महर्षि? हंसू नहीं तो क्या अभिनंदन करूं? सृष्टि में जिस व्रत का पालन करना किसी के लिए भी असंभव है, वो व्रत भला किसी राजा के लिए कैसे संभव होगा? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, आपकी इस बारे में क्या धारणा है? विश्वामित्र महर्षि के कहने मात्र से ये असंभव थोड़े ही हो जाता है। ये भी ठीक है, परंतु ब्रह्म ऋषि, सत्य व्रत का पालन करना तो कष्टतर है। राज्य छूट जाए, पत्नी और संतान भी छुड़ जाए, नीच से नीच दासत्व भी स्वीकार करना पड़े, क्या इन स्थितियों में भी सत्य का पालन करना संभव होगा? यदि संभव ना हो सका तो व्रत कैसे संपूर्ण और सफल माना जाएगा? भाग्य उसके साथ छल कपट भी करे, विधाता उसे विवश भी कर दे कि वह सत्य बोले, तब भी हरिश्चंद्र सत्य नहीं बोलेगा, सत्य से नहीं टलेगा। नारायण महर्षि, ब्रह्म ऋषि के कथन में केवल सत्य ही सत्य है। नहीं, कदाचित नहीं। हरिश्चंद्र से असत्य बुलवाना कोई कठिन कार्य नहीं। आप उनसे असत्य बुलवा सकते हैं? हाँ। यह असंभव है। यदि यह संभव हुआ तो अपनी संपूर्ण तपोशक्ति विश्वामित्र को समर्पित कर दूंगा और उनके ब्रह्मर्षि बनने के समस्त साधन जुटा दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं अपनी तपोशक्ति से ब्रह्मर्षि बन सकता हूं।
बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं, किंतु ये तो बताइए महर्षि, आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? यदि मैं पराजित हुआ तो अपना आधा तपोबल हरिश्चंद्र को समर्पित कर दूंगा। जब तक विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा न ले तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है। गाधी पुत्र, श्री विश्वामित्र ऋषिवर की कृपा से स्थापित नए स्वर्ग के अधिपति श्री त्रिशंकु महाराज के सुपुत्र अयोध्या नगर के अधिपति श्री 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 हरिश्चंद्र महाराज पधार रहे हैं। मंत्रीवर, राज्य की सुख शांति और व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है? नहीं महाराज, देश में सुख शांति है, देश की प्रजा सुखी है, हर नागरिक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सब आप जैसे उत्तम और अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। राजा तो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देता है, उसे आप जैसे दक्ष मंत्री ही क्षमता से कार्यान्वित करते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे योग्य कोई सेवा है अथवा कोई समस्या? हाँ महाराज, एक समस्या है जिसका परिष्कार नहीं हो पा रहा है। धनगुप्त हमारे नगर का एक वस्त्र व्यापारी है, कालगुप्त पड़ोसी राज्य का नागरिक है। ये दोनों बहुत निकट मित्र थे, परंतु अब उन दोनों में मित्र भेद हो गया है, वो एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। ऐसा क्यों? धनगुप्त का कहना है कि उसने कालगुप्त को ऋण दिया है। कालगुप्त क्या यह स्वीकार करता है कि उसने ऋण लिया है? नहीं महाराज, उसका कहना है कि मुझ जैसे धनवान को किसी से ऋण लेने की क्या आवश्यकता है। वो धनगुप्त पर यह आरोप भी लगा रहा है कि मित्रता की आड़ में वो मुझसे धन ऐंठना चाहता है। ऋण धन कितना है? 1000 सुवर्ण मुद्राएं। वादी और प्रतिवादी दोनों को उपस्थित कीजिए। उन्हें ले आओ। प्रणाम महाराज, मैं आपका नागरिक हूँ, आपका आश्रित हूँ, मेरे साथ न्याय कीजिए प्रभु। इस राज्य में सत्य और न्याय ही परम धर्म है, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता। इसी विश्वास पर न्याय की भिक्षा मांगने आपके पास आया हूँ, मुझे मेरा धन दिला दीजिए प्रभु। क्या कोई साक्षी है जो ये कहे कि तुमने इसे ऋण दिया है? मैंने धन देते हुए यही सोचा, ये एक मित्र का धर्म है, बुरे समय में दूसरे मित्र के काम आए। कालगुप्त, तुम कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मुझसे अपराध हुआ है, इसका धन इसे अभी लौटा देता हूं। ये क्या कालगुप्त, इतने दिन कहते रहे कि मैंने ऋण नहीं लिया, ऋण लेने की मुझे क्या आवश्यकता है, और अब महाराज को देखते ही बात ही पलट दी? क्यों, दंड का भय हो गया है? मंत्रीवर, महाराज को देखते ही आप ही आप मुझ में ये परिवर्तन आ गया, उनके सम्मुख झूठ बोलने का साहस नहीं कर सका। सचमुच? हाँ, जिस प्रकार ब्रह्मा का दर्शन होने पर हम वेदगान करने लगते हैं, सरस्वती के दर्शन मात्र से सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार श्री हरिश्चंद्र महाराज के दर्शन मात्र से मेरे मुंह से सच बात निकल गई। महाराज, मेरे कारण आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जो दंड दें मेरे लिए स्वीकार है। हम तुम्हें दंड नहीं देते, तुम्हारी पहली भूल मानकर तुम्हें क्षमा करते हैं। इसका धन इसे लौटा दो। जो आज्ञा। प्रणाम। मेरी एक विनती सुन लीजिए गुरुवर, आपके मुखमंडल पर फिर से एक तनाव की छाया है, लगता है स्वर्ग लोक से आप फिर से कोई चुनौती स्वीकार करके आए हैं। यदि ऐसा ही है तो तुम्हें इस विषय में क्या कहना है प्रिय शिष्य? मेरी केवल यही विनती है गुरुवर कि आप अपने तपोबल की आहुति न दे, आपकी शक्तियां धीरे धीरे फिर से लौट रही हैं, लगता है देवेंद्र ने फिर कोई पाश फेंका है, अपनी रक्षा कीजिए गुरुवर।
ये देवेंद्र का पाश नहीं है वत्स, देवेंद्र का पाश नहीं है। उनके हाथ तो मुझे छूने से कई बार जल चुके हैं। वे कुड़ तो सकते हैं पर मुझे छूने का साहस नहीं कर सकते। ये मेरे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच की बात है। तो ये कहते हैं कि अयोध्यापति हरिश्चंद्र झूठ बोल ही नहीं सकते, और मुझे उन्हें यह दिखलाना है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी भी विवश किया जा सकता है असत्य बोलने के लिए। असत्य हर स्थिति में अभद्र नहीं होता शिष्य, व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए असत्य की शरण में जा सकता है, जाता भी है, उसे जाना चाहिए भी। संसार में किसी और जीव के पास यही चयन तो नहीं है। मृग अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने मृग होने के सत्य से नहीं भाग सकता, वो उस सत्य को लेकर भागता है और सिंह उसकी हत्या कर देता है। यह हत्या करना सिंह का सत्य है। मनुष्य सिंह का आखेट करता है, क्योंकि वो सिंह न केवल मनुष्य की हत्या कर सकता है बल्कि वह उन सारे पशुओं की हत्या करता है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। परंतु न तो मृग अपने सत्य को एक क्षण के लिए भी त्याग सकता है और न ही सिंह। परंतु मनुष्य के पास विकल्प है, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी भी सत्य को त्याग सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मानव जाति से विकल्प की यह शक्ति छीन ली जाए। उसके पास इस कवच का रहना आवश्यक है, इसीलिए यह देखना आवश्यक है कि क्या वास्तव में केवल शुद्ध सत्य के आधार पर मनुष्य के लिए जीना संभव है। रहा प्रश्न मेरे तपोबल का, तो हे नक्षत्र, बुद्धि और शक्ति यदि दोनों ही ठहरी रहें तो वे ठहरे हुए जल की भांति दूषित हो जाती हैं। इसलिए उन दोनों का बहते रहना ही आवश्यक है। परंतु गुरुवर, आप क्षत्रिय हैं, आक्रमण से पहले शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना भी आवश्यक होता है। युद्ध नीति, हाँ युद्ध नीति। अयोध्या नरेश, हरिश्चंद्र की जय हो। महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। आपने हमारी राज्यसभा में पधारकर हमें कृतार्थ कर दिया है। आइए। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, आपका आश्रम सुरक्षित तो है? आपके तप जाप में कोई विघ्न तो नहीं हो रहा? और आपकी आवश्यकताएं यथाक्रम पूरी होती रहती हैं? हरिश्चंद्र, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं, सभी कुछ निर्विघ्न चल रहा है। आप जैसे महर्षि की इच्छाएं तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं, किसी प्रकार की कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, आपका यह दास अवश्य पूरी करेगा। हरिश्चंद्र, तुम्हारा यही विनय तुम्हारी कीर्ति को दसों दिशाओं में व्याप्त कर रहा है। वैसे तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु तुमसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। आज्ञा दीजिए, तन मन धन से पालन करूंगा। हमें थोड़ा धन चाहिए। अवश्य ही, मैं भी कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मुझसे कुछ मांगा। आप जैसे महानुभावों को देने से पुण्य की प्राप्ति होगी। कहिए, कितना धन चाहिए? सच कहा जाए तो कोई इतनी बड़ी धनराशि नहीं जो तुम नहीं दे पाओगे। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए राज्य को त्यागने वाले आप जैसे को जितना भी दूं
कम ही होगा। किंतु एक शंका है ऋषिवर, आप जैसे सर्वत्यागी को धन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? एक यज्ञ का संकल्प किया है हरिश्चंद्र, तब तो आपने मुझसे धन मांगकर मेरी सहायता की है, पुण्य कार्य से मेरा भी उद्धार होगा। हाँ अवश्य तुम्हारा भी उद्धार होगा। आदेश दीजिए, कितना धन दूं? कोई हाथी पर चढ़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक रत्न ऊपर फेंके तो वो रत्न जितनी ऊंचाई तक जाए उतनी ऊंचाई तक की धनराशि हमें चाहिए हरिश्चंद्र। ऋषिवर ये मांग भी कैसी मांग है, मांगना तो चाहिए। मंत्रीवर आप चिंतित मत होइए, ऋषिवर की इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। महर्षि ये मांगकर तो आप मुझ पर दया कर रहे हैं, आपको इतना धन चाहिए तो आपके एक संकेत पर कुबेर यह धनराशि आपके आश्रम में एक पल भर में रख देता। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि आपने अपनी सेवा का एक अवसर मुझे प्रदान किया। मंत्री इसी क्षण यह धन कोष से निकालकर आश्रम में भेजने का प्रबंध कीजिए। नहीं हरिश्चंद्र, ऐसी कोई शीघ्रता नहीं, यज्ञ का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, जब निश्चित हो जाएगा तब हम यह धन स्वीकार कर लेंगे, तब तक यह धन आप ही के यहां सुरक्षित रहेगा। ऋषिवर धन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, अतः मेरा आपसे प्रस्ताव है कि आप ये धन अभी ले लीजिए और हमें अपने दायित्व से मुक्त कीजिए। महर्षि मंत्री का कहना सच है, धन संपत्ति सचमुच अनर्थकारक होती है, वो माँ बेटे भाई भाई और मित्र मित्र के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती है। हरिश्चंद्र क्या हमारे और तुम्हारे बीच में भी ऐसा भेदभाव संभव है? ये तो संभव नहीं होगा, किंतु आपका धन हम आपको सौंप देंगे तो हम भी निश्चिंत रह सकते हैं। राज्य कार्यों में धन कब कितना आवश्यक होगा कह नहीं सकते, उदाहरण युद्ध छिड़ जाए अकाल पड़ जाए तो विपुल धन की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके आश्रम में वो धनराशि अभी भेजने का प्रबंध करता हूँ। हरिश्चंद्र आप और आपके मंत्री हमारा धन भेजने के लिए इतने आतुर हैं कि लगता है आपके लिए वो बोझ बन गया है। यदि आप हमारी इतनी सहायता नहीं कर सकते तो नहीं चाहिए हमें आपका धन, हम किसी और राजा से मांग लेंगे। नहीं ऐसा मत कहिए ऋषिवर, इक्ष्वाकु वंशज सत्यव्रत का पुत्र कहीं अपनी बात से मुकर सकता है? आपने तो मेरे पिताश्री के लिए देवताओं से भी विरोध किया है, उनकी इच्छा की पूर्ति की है, अपना तपोबल भी मेरे पिताश्री के लिए त्यागने वाले आपके जैसे त्यागी का मन मैं दुखी नहीं कर सकता। आपका धन मेरे पास सुरक्षित है, किसी भी क्षण आपको यह धन सौंपकर मैं धन्य हो जाऊंगा। यह हुई न हरिश्चंद्र के योग्य बात, हम प्रसन्न हुए। यशस्वी भव। प्रभु मुझे विश्वामित्र के इस हठ में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ लगता है, मेरे मन में अमंगल की शंका हो रही है। हम पर आपका जो प्रेम है वही आपको ऐसा सोचने पर विवश कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए। देवी आपका मुख तो सदा कमल के समान खिला रहता है, परंतु आश्चर्य आज तो यह कांतिहीन लगता है। देवी यह हरिश्चंद्र आपके मुख पर मुस्कान देखने के लिए लालायित है। प्रभु मध्याह्न के मार्तांड के समान विश्वामित्र कहीं हमारे जीवन कमल को अपनी कपोगनी से जला तो नहीं डालेंगे? आपकी यह शंका निराधार है देवी, महर्षि ने अपना धन हमारे ही यहां सुरक्षित रखा, इसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ार्थ है, और जब तक वह धन हमारे यहां है हम अशांत ही रहेंगे, वह सर्प की तरह हमारी छातियों पर फन काढ़े फुंकारता रहेगा। मन को इतना आकुलित न करो देवी, जब महर्षि ने चाहा तो यह धन दिया,
और जब उन्होंने ये कहा कि यह धन यहीं सुरक्षित रहेगा तो स्वीकार किया। उनकी आज्ञा का तिरस्कार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भूल गई, हमारे पिताश्री के लिए इन्हीं महर्षि ने अपने तपोबल का त्याग करके एक नया स्वर्ग स्थापित किया था। आपने अपना धर्म निभाया है प्रभु, परंतु न जाने क्यों आशंकाओं से मेरा हृदय कंपित हो रहा है। भय से विपत्तियां नहीं टलती देवी, विश्वास रखो अपने कर्मों पर, धर्म के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। शेष भगवान की इच्छा। आपके सत्य का व्रत ही आपकी रक्षा करे। निश्चिंत रहो तारामती, सब भगवान पर छोड़ दो। ये क्या गुरुवर? ये नृशंस हैं शिष्य, जो अपने विशेष सत्य को नहीं त्याग सकते। ये अयोध्या की सीमाओं में हाहाकार मचा देंगे। अयोध्या के वनों में इनका काल है। हरिश्चंद्र का पहला धर्म युद्ध इन्हीं से होगा। उसकी पहली परीक्षा आरंभ होती है। महाराज की जय हो। मैं क्षमा भिक्षा मांगता हूँ। भय छोड़ो, बोलो क्या है। अरण्य सीमाओं से आए हुए ग्रामीण आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। राजा सदा प्रजा की रक्षा के लिए ही तो होता है, उन्हें शीघ्र उपस्थित करो। महाराज की जय हो। महाराज आप ही हमारे पिता हैं, हमारे पालक हैं, रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए महाराज। भयभीत मत हो, आप लोगों के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। बोलिए क्या विपत्ति आई है आप लोगों पर। अकस्मात अरण्य से आए जंगली जानवर ग्रामीणों को मारे जा रहे हैं। शस्य श्यामल भूमि का नाश कर रहे हैं। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। मैंने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया महाराज, जानवर उसे उठा ले गए। मंत्री, सेनापति,
सेना सहित हम स्वयं भी वहां जाएंगे और उन रक्त पिपासु जानवरों का नाश करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर घर लौटिए, राज्य कोष से आप लोगों को पर्याप्त धन भी दिया जाएगा। युद्ध में व्यूह का बड़ा महत्व होता है नक्षत्रक। मैं हरिश्चंद्र के लिए एक नवीन चक्रव्यूह रचने जा रहा हूं, परंतु इस व्यूह की सफलता तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करती है नक्षत्रक। आज्ञा दीजिए गुरुवर। इस व्यूह में काम, नैतिकता और धर्म का मिश्रण है। काम, नैतिकता और धर्म का यह त्रिशूल उसे पराजित तो नहीं करेगा, परंतु उसके व्यक्तित्व के विनाश का मार्ग अवश्य खोल देगा। मातंगी कन्याएं हरिश्चंद्र को अपने आकर्षण पाश में बांध लेंगी नक्षत्रक, तब अपने कर्तव्य पथ से हटकर वो वासना की लपेट में आ जाएगा। जब चरित्र का पतन होता है तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है नक्षत्रक। इससे मेरा कार्य सुलभ हो जाएगा। हे मातंगी कन्याओं, तुम्हें अयोध्यापति हरिश्चंद्र पर यौवन पाश फेंकना है, उसके काम तृष्णा को भड़काना है और फिर अपने केशों में बांधकर अपने ऋषि चरणों में ले आना है। इस नाटक में मेरी तो कोई आवश्यकता नहीं है गुरुवर। है शिष्य है, किंतु आगे चलकर अभी रंगमंच के किसी और खड़े होकर नाटक देखो और रंगमंच पर अपने आने की प्रतीक्षा करो। आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं? अवश्य। दो कन्याएं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। कन्याएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? क्यों? वे नृत्य गायन में प्रवीण हैं। अपने नृत्य गायन से आपकी थकावट को दूर करने की इच्छा रखती हैं। आपकी अनुमति हो तो आवश्यक प्रबंध करूंगा। ठीक है।
नर्तकियों, तुम अपनी कला में अवश्य निपुण हो, परंतु जो कला अश्लीलता से भरी पड़ी हो वो कला नहीं, कामुकता की कोई दासी है। तुम्हारी कला ने हमें प्रसन्न नहीं किया, तुम्हें जाने की आज्ञा है। और जाते जाते ये पारितोषिक लेती जाओ। हे राजन, यदि हमारी कला प्रदर्शन ने आपको प्रसन्न नहीं किया तो हम ये पारितोषिक स्वीकार नहीं कर सकती। तुम दोनों को कुछ ना कुछ तो अवश्य ही लेना होगा, पारितोषिक नहीं तो पारिश्रमिक सही। मांगो। मांगू महाराज? मांगो तो हमें पति रूप में मिल जाइए। ये संभव नहीं है नर्तकी। आप वचनबद्ध है महाराज। नर्तकी, यह न भूलो कि हम विवाहित हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर महारानी तारामती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हम अपने दायित्व से मुख मोड़कर आत्मद्रोह नहीं कर सकते। तो हमें अपने निकट रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए महाराज। हमें भोगिए महाराज। भोगिए महाराज। इससे पहले कि हम तुम्हें इस असभ्यता के प्रदर्शन पर कोई दंड दें, तुम दोनों हमारे शिविर से निकल जाओ। निकल जाओ। रुकिए महाराज, रुकिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ज्ञात है आप किन्हें ठुकरा रहे हैं? हे राजन, मैं महर्षि विश्वामित्र का शिष्य नक्षत्रिक हूं।
आप इनका अपमान करके महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके तपोबल की रचनाएं हैं। महर्षि विश्वामित्र की रचनाएं? और रचनाएं तो संतान के भांति होती हैं। तब तो ये दोनों उनकी पुत्रियां हुई ना। मैं ये नहीं कह सकता महर्षि का क्रोध इस अपमान पर आपको क्या दंड देगा। मंत्रीवर, हमारा मन इस समय बहुत व्याकुल है। इसमें व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है राजन? विश्वामित्र उस समय आश्रम में नहीं थे, नहीं तो हम स्वयं उनके पास जाते और कहते कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा उद्देश्य मातंग कन्याओं का अपमान करना नहीं था। पतिदेव, उन मातंग कन्याओं ने अपनी मर्यादा की सीमाएं पार करके आपसे अशिष्टता से व्यवहार किया है, इसीलिए आपने उनका तिरस्कार किया है। आपने उनका अपमान तो नहीं किया। इस तिरस्कृति से वे अवश्य आप पर अनेक आरोप लगाएंगी। फिर भी वह महर्षि उनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। आप सत्पुरुष हैं राजन, इसीलिए आपका मन इस छोटी सी बात पर दुखित हो रहा है। आप स्वयं ऋषिवर विश्वामित्र से मिलिए और उनकी कोई शंका हो तो दूर कीजिए। मंत्रीवर, किसी दूत को भेजकर ये जान लीजिए कि महर्षि विश्वामित्र आश्रम में हैं या नहीं। हरिश्चंद्र, अपने राजा होने का इतना गर्व, अपने अधिकारों का इतना दुरुपयोग, अपने ही ऋषि विश्वामित्र का ऐसा अपमान, अपनी सचरित्रता का ऐसा दिखावा। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। रहने दो ये विनय का ढोंग, हमारी पुत्र तुमसे विवाह करने की योग्यता नहीं रखती। तुमने उनका तिरस्कार इसलिए कर दिया कि वो तुम्हारी जाति की नहीं। बोलो, गुण प्रधान है अथवा जाति? जो तुम्हारे पास अपने आप को समर्पित करने आई, तुमसे विवाह रचाने आई, उनका ऐसा तिरस्कार, क्या समझ रखा है अपने आप को? इतना दम्भ, इतना गर्व, यह भी नहीं सोचा कि वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की पुत्रियां हैं? शांत होइए महर्षि, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। हम और तुम्हारी बातें ध्यान से सुने? हम ब्रह्म ऋषि हैं, तपोबली हैं, हमने नवीन सृष्टि की रचना की है, वही हम विश्वामित्र तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, सूर्य के सामने बाती जैसा हूं। आप समस्त लोकों के अधिपति और मैं केवल इस कौशल राज्य का राजा। मैं और आपका अपमान ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता। तो करो विवाह हमारी पुत्रियों से। ऋषिवर, आप सर्वज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, गायत्री को प्रकट करने वाले तेजस्वी हैं। आपको मेरी परीक्षा लेना शोभा देता है? विवाह वंश वृद्धि के लिए होता है और मैं पहले ही विवाह करके अपना धर्म निभा चुका हूं। मेरा एक पुत्र भी है, इस उम्र में और विवाह कैसे कर सकता हूं? राजा होते ही हैं सुख के लोभी, भोग विलास के आदि। वो अनेकों विवाह रचा सकते हैं, किसी से भी विवाह कर सकते हैं, परंतु यह तो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करना इच्छाओं का दास बनना है। मुझ जैसे गृहस्थ के लिए ऐसा करना पाप है। पाप और पुण्य की बातें तुम हमी से कर रहे हो, विश्वामित्र से? हरिश्चंद्र, तुम्हारे पिता का शुभ चिंतक यह विश्वामित्र तुम्हें यह आज्ञा देता है कि यह विवाह करो। ऐसा करना अधर्म नहीं धर्म है, अन्याय नहीं न्याय है। ये आप जैसे ऋषि के लिए ऐसा कहना क्या न्याय संगत है? विवाह बंधन में बंधी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री से विवाह करना क्या उचित है? मैं एक पत्नी व्रती हूं, सत्य के व्रत का पालन करता हूं। मुझ जैसे को ऐसा आदेश देना धर्म के नियमों के विरुद्ध है ऋषिवर।
धर्म और अधर्म की बातें हमसे ना करो हरिश्चंद्र, हम ही को लो। हम विवाहित थे फिर भी हमने मेनका से विवाह किया है, क्या यह अधर्म हुआ? अधर्म तो है कन्या की प्रेम की इच्छाओं को ठुकराना। तुमने हमारी कन्याओं की इच्छाओं को ठुकराकर पाप किया है हरिश्चंद्र। बोलो, क्या दूसरा विवाह अधर्म है? कितने देवता ऐसे नहीं जिनकी एक नहीं दो नहीं तीन तीन पत्नियां हैं? हमारा कहा मानोगे तो हम तुम्हें सब कुछ दिला देंगे हरिश्चंद्र। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पारिजात, कल्पवृक्ष, अमृत, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपके प्रलोभनों में आकर सूर्यवंश का गौरव मिट्टी में मिला दूं, उसे धराशायी कर दूं? इस पाप कर्म से अच्छा तो यही होगा कि मैं इस राज्य का ही त्याग कर दूं। राज्य छोड़ दूंगा किंतु धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म नहीं छोड़ोगे? नहीं। राज्य छोड़ दोगे? हाँ। अपना वचन निभाने के लिए सिंहासन भी त्याग दोगे? त्याग दूंगा। तो फिर डटे रहो अपने वचन पर हरिश्चंद्र, या तो मेरी पुत्रियों से विवाह करो या राज्य त्यागो। आपकी पुत्रियों को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, राज्य छोड़ दूंगा। सच हरिश्चंद्र? सूर्यवंशी यह हरिश्चंद्र अपने वचन से हटने वाला मानव नहीं है। उत्तम, अति उत्तम। कितनी धर्म निष्ठा है तुम में, किंतु इस निर्णय को तुम्हारी पत्नी और पुत्र न माने तो? ऋषिवर, पति का वचन निभाना इस तारामती का परम कर्तव्य है। सपने में भी मैं उनकी बात नहीं टालूंगी। हरिश्चंद्र, तब तो अपना ये राज्य त्यागो। अब राज्य छोड़कर जाने का समय आ गया है। महाराज, आप राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे, 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 आप जाएंगे महाराज, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं जाऊं भी तो क्या हुआ? मैं जहां भी हूं आपका हूं और आप सब मेरी प्रिय जनता हैं। हरिश्चंद्र, तुम्हारी बातों से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। राज्य हमारा और जनता तुम्हारी, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ये लोग हमारी आज्ञा न माने, हमें राज्य सिंहासन पर न रहने दें। तुम यहां रहोगे तो हम राज्य का शासन नहीं संभाल पाएंगे, हमारे राज्य में शांति नहीं होगी। आपने ठीक कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहां से चला जाता हूं। कहां जाओगे? काशी जाकर शेष जीवन शिव पूजा में बिताऊंगा। अस्तु। ठहरो, राज्य छोड़कर जब जा ही रहे हो तो इन आभूषणों का क्या काम? ये तो अब हमारी संपत्ति हुई ना। जो आज्ञा, हमसे भूल हो गई। ऋषि विश्वामित्र, आप हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं? ऐसे उत्तम राजा के साथ ऐसा व्यवहार? हम हमारे राजा को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हरिश्चंद्र, अपनी जनता से कहो कि वो हमें अपना राजा माने और हमारी आज्ञाओं का पालन करे। माननीय मंत्री, मेरे प्रिय नागरिकों, मेरी आपसे सभी ने प्रार्थना है कि आप सदा ब्रह्मऋषि विश्वामित्र का साथ दें। अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए आप इन्हें अपना पूरा पूरा सहयोग दें और इन्हें मुझसे अधिक प्यार दें। महाराज, ये असंभव है, हम आपको नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे। मेरे प्रिय नागरिकों, यदि मेरे लिए आपके हृदय में थोड़ा भी प्रेम है तो मेरा कहा मानिए, मुझे जाने दीजिए।
ठहरो हरिश्चंद्र, हमने जाने के लिए कहा तो तुम चल पड़े। तुम अपने आप को सत्य का व्रती कहते हो, यह कहकर दंभ भरते हो कि सूर्य और चंद्र निकले या ना निकले, परंतु यह हरिश्चंद्र कभी अपने वचन से नहीं टल सकता। कहते हो ना? हां। तो फिर यह क्या, हमसे क्या भूल हो गई ऋषिवर? तुमने हमारा ऋण चुकाया? आप किस ऋण की बात कर रहे हैं? अति उत्तम, तुम हमारे ऋण की बात ही भूल गए। सत्यवान कहलाते हो और असत्य बोलने में थोड़ी भी झिझक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें क्यों कर स्मरण होने लगा? आवश्यकता तो हमारी है। तुमने उस समय वचन नहीं दिया था कि यज्ञ के लिए आवश्यक धन दोगे? यह था ना? हाँ, वचन दिया था। तो फिर वो ऋण नहीं चुकाओगे? अवश्य चुकाऊंगा। तो फिर चुकाओ अभी, हमें यज्ञ करना है। ऋषिवर, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर चुका हूं, फिर और मेरे पास देने के लिए रखा ही क्या है? तो फिर स्पष्ट कह दो कि तुम हमारा यह ऋण नहीं चुका सकते। हरिश्चंद्र ने जब राज्य छोड़ दिया तो क्या वो अपने वचन से टलेगा? तो मेरा धन देने पर ही यहां से जा सकते हो। परंतु अब मेरे पास देने के लिए रखा ही क्या है? हाँ, यह बात तो ठीक है, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि तुम यह ऋण चुकाओगे कैसे? थोड़ा समय दीजिए, कैसे भी हो चुका दूंगा। एक महीना पर्याप्त है? पर्याप्त है। ठीक है, एक महीने के भीतर ही हमें अपना धन मिल जाना चाहिए। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तनिक रुको, कौन जाने तुम ये ऋण चुका पाओगे भी या नहीं। एक तो ये अपना राज्य छोड़कर जा रहे हो, दूसरा पराए राज्य में तो तुम्हारा अधिकार चलेगा नहीं। शंका मत कीजिए, मैं सूर्य चंद्र नक्षत्र को साक्षी बनाकर वचन देता हूं कि मैं आपका ऋण चुकाऊंगा। नक्षत्रों को साक्षी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है हरिश्चंद्र, क्योंकि हमारा एक प्रिय शिष्य नक्षत्र तुम्हारे साथ ही जाएगा। निर्धारित समय के अंदर उसे हमारा धन दे देना। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र का सत्य व्रत टले न किसी प्रकार, टले न किसी प्रकार। दिया स्वप्न में राज था, दिया सत्य में राज, चले राज सुख त्याग कर, चले त्याग साम्राज्य, चले त्याग साम्राज्य। हरिश्चंद्र, मेरी रक्षा करो, नहीं तो यह सर्प मुझे खा जाएगा। मुझसे आप चला नहीं जाता, ऋणदाता गुरुश्री और ऋणी आप दोनों ही ठीक है, पर मैं पिसा जा रहा हूं आप दोनों के बीच।
स्वामी नक्षत्र, क्या हुआ? होना और क्या है, मृत्यु मुझे शीघ्र ही निकल जाएगी। अमंगल की बातें न कीजिए। सच्चाई में मंगल और अमंगल नहीं होते माता। सच तो अब ये है कि मैं यहाँ प्यासा ही मर जाऊंगा। चिल्लाऊंगा तो वो भी केवल अरण्य रुदन बनकर रह जाएगा। यहाँ के क्रूर जंतु मुझे खा डालेंगे, यही सच है। और मेरे मरण का पाप आपके सर होगा, आपके सर होगा, आपके सर होगा। स्वामी आप यहीं ठहरिए, मैं अभी पानी का प्रबंध करता हूँ। आपका जाना व्यर्थ है राजन, व्यर्थ है। आपके लौटने तक मैं मर जाऊंगा, मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब घबराइए नहीं विप्रवर, वे अभी लौट आएंगे। माते, महाराज अब नहीं आएंगे, महाराज अब नहीं आएंगे माते। वे आते ही होंगे विप्रवर। इस भूख प्यास से तो किसी भी क्षण मर सकता हूँ, किसी भी क्षण मर सकता हूँ माते। माँ, मुझे भूख लगी है। भगवान, मुझे भागिन पर इतना क्रोध क्यों? मुझे ऐसा क्या अपराध हुआ कि अपने पुत्र को कुछ भी खिलाने की स्थिति में नहीं? वह भूख से तड़प रहा है और मैं असहाय होकर चुप खड़ी हूँ। माँ के लिए इससे बड़ी वेदना और क्या हो सकती है? माता, बड़ी प्यास लगी है, जीभ सूख गई है माता। नक्षत्र, थोड़ा और सहन करो, वे पानी लाएंगे, फिर कंदमूल का प्रबंध करेंगे। इस घोर अरण्य में फल देने वाले पेड़ कहाँ है माता? अब मेरे जीवित रहने की आशा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हे शिव, हे परमेश्वर, हे हमारे कुल देवता, ये कैसी परीक्षा है? कष्टों से हम कभी चिंतित नहीं हुए, नहीं होंगे, परंतु ये बेचारा ब्राह्मण हमारे कारण मरने जा रहा है। इस पाप से हमारी रक्षा करो। अब मरना तथ्य है माता, तथ्य है। देवताओं, यदि मेरे पति श्री हरिश्चंद्र सत्यव्रती हैं और मैं अपने पति की सेवा शुद्ध और पवित्र हृदय से कर रही हूँ, तो आवश्यक फल प्रसादिए जिनसे इस ब्राह्मण के प्राण की रक्षा हो सके। फल कहाँ है, किधर है? माते, यहाँ तो सब फल ही फल है। ब्राह्मण, इन फलों को स्वीकार कीजिए।
प्रणाम ऋषिवर। हे माया मुनि, प्यासा हरिश्चंद्र जंगल में पानी के लिए भटक रहा है, उसे बरगद वृक्ष के तले ले जाओ। जो आ गया। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, हम अपने परिवार के साथ इस जंगल में प्रयाण कर रहे हैं। यहाँ हमें पीने के लिए पानी प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कोई जलाशय है? हाँ, आप सीधे जाइए, वहाँ एक जलाशय है और वहाँ एक बरगद का वृक्ष है। आप रात को वही विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद। सुखी भव। नक्षत्रक, निकट ही एक जलाशय है, चलिए वहां चलते हैं। नहीं राजन, नहीं, पेट भर गया आम खाकर। आम? आम कहाँ मिले? ये सब भगवान की लीला है और तारामती देवी के पातव्रत की महिमा है। चलिए रास्ते में पानी भी पी लेंगे, वहीं बरगद का एक वृक्ष है, रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। आइए। चलो माता, चलो। ऐसा मत कहिए विप्रवर, हमारे कारण आपको बहुत कष्ट झेलने पड़े। पत्थरों पर चल चल कर आपके पांव छिल गए, कांटे चुप चुप कर आपके पांव से रक्त बहने लगा, इसीलिए तुम हमें यहाँ ले आए, ताकि कोई भूत पिशाच हमें खा जाए और तुमसे रुंड मांगने वाला कोई ना हो। अरे हरिचंद्र, तुमने बड़ी दूर की सोची। विप्रवर, हम अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे, आप भयभीत न होइए। आप सब निश्चिंत होकर सोइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। यही उचित है, मैं वहां सो जाता हूं। हे बेताल, प्रणाम ऋषिवर। थके हरिश्चंद्र और उसके परिवार को भयभीत कर दो। जो आज्ञा। मानव धन धा रही है, हमारे थल पर निर्भय होकर सोने वाले ये मानव कौन है?
सपने देखा है ब्राह्मण? सपने नहीं माते, मैंने अति भयंकर गूंज सुना है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। भूत भूत पिशाच पिशाच। आप डरिए मत विप्रवर, बेताल को भगा दिया। कैसी भयंकर विपत्ति से बच गए? अरे अभी तो मेरे प्राण बच गए, परंतु इस घोर जंगल में अब मैं नहीं रहूंगा और आपसे मुझे रण भी नहीं लेना है, नहीं लेना है रण। मैं जा रहा हूँ, मैं चला। रुकिए रुकिए विप्रवर, आप घबराइए मत, हम आपका रण भी चुकाएंगे। कल प्रातःकाल ही समीप के किसी गांव में चलते हैं।
नक्षत्र कहाँ है? मैं आऊं। नक्षत्र, मैं आऊं। अरे अरे, नक्षत्र, आग बुझ गई है, आप नीचे उतर आइए, संभाल कर। हे विश्वेश्वर, हे कृपालु रक्षमा, आशीर्वाद दीजिए कि सत्य पालन में मैं स्थिर रहूं और अपने वचन से न टलूं। महर्षि विश्वामित्र के ऋण भार से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए भगवान। हरिचंद्र, मैं देखता आ रहा हूँ तुम अनेकों तीर्थ स्थान जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हो, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हो, परंतु ऋण देने का नाम ही नहीं लेते। मनुष्य को मोक्ष का मार्ग तो केवल भगवान ही दर्शा सकता है विप्रवर। भगवान की पूजा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तुम्हारा तक्षण धर्म और कर्तव्य हमारे गुरु श्री का ऋण चुकाना है, और कर्तव्य को भुलाना महापाप है। मैं तुमसे ये महापाप नहीं होने दूंगा। पाप तो वो करेगा जो सत्य से टलता है। सत्य भगवान का अंश है। महर्षि का ऋण चुकाकर हम अपने वचन का पालन करेंगे और सत्य की मर्यादा की रक्षा। किंतु ऋण चुकाओगे कैसे? अपने साथ घुमा घुमा कर हमें भी थका दिया। आज तो तुम्हारे ऋण चुकाने की अवधि पूरी हो जाएगी। मैं गुरु श्री से निवेदन करूंगा कि हरिचंद्र ऋण नहीं चुका पाएगा। हमारा विश्वास कीजिए, हम ऋण चुका देंगे। कैसे? रास तो अब रहा नहीं, ना ही कोई धन संपत्ति है तुम्हारे पास, और ना ही कोई पूंजी है जिससे तुम कोई व्यापार कर सको। तुम्हारे पास है क्या? केवल तुम और ये तुम्हारी धर्म पत्नी और ये बालक। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरे गुरु श्री को केवल वचन दिया है, वचन के सिवा कुछ नहीं। तुम वचन से मुखर जाओ, और कोई साक्षी तो है नहीं, ना ही कोई प्रमाण है कि तुमने ऐसा वचन दिया है। तुम केवल इतना कह दो कि मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ से चला जाऊं। तुमको और हमको इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप और इसी अनर्थ बातें, आपको तो कहना चाहिए सत्यम वदा, परंतु आप तो हमें सत्य मार्ग से भ्रष्ट होने को कह रहे हैं। जैसा पति वैसी ही पत्नी, दोनों ही हर धर्मी हैं। कोई मार्ग अवश्य ढूंढेंगे ब्राह्मण। एक मार्ग है पतिदेव, मुझे किसी की दासी बना दीजिए, बेच दीजिए किसी के हाथ। देवी, आप अधीर न होइए स्वामी, पति के कर्तव्य पत्नी के भी होते हैं। पत्नी होकर आपके दायित्व में मैं भी भाग लूं, यही मेरा धर्म है। परंतु देवी, उसके लिए मैं तुम्हें बेच दूं? नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। पाप और पुण्य की बातें छोड़िए राजन, आज स्पष्ट कह दीजिए कि मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? हम तो ऋण चुकाने के प्रयत्न में ही हैं विप्रवर। तो फिर विलंब कैसा? बेच डालिए अपनी पत्नी को। यदि ऐसा करने में थोड़ा भी संकोच किया तो ये नक्षत्र चला अपने गुरु श्री के पास। रुक जाइए विप्रवर, मेरे पतिदेव मुझे बेचेंगे और आपका ऋण अवश्य चुका देंगे। नक्षत्रक, चलिए। बहुत हो गई तेरी सज्जा, सजने की भी एक आयु होती है। प्रस्थान करो शीघ्र, तुम और तुम्हारे शिष्यों के जाते जाते वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस शीत में, और वो भी सवेरे सवेरे, कौन आएगा? कोई आएगा ही नहीं तो तुझे दान दक्षिणा कौन देगा? सुन ले, रिक्त हाथ लौटे तो ऐसी पिटाई करूंगी, ऐसी पिटाई करूंगी। क्यों मुझे सदा पीटने की सोचती हो? ये काल कौशिक और रिक्त हाथ लौटे,
कभी नहीं होगा कलह कंठी। क्या कहा? करूं क्या, अभ्यास हो गया है कल कंठी। चले जाओ। पत्नी यार सुत संग है, संग सत्य निशंक, बिकने आए हाट में, बन राजा से रंक। काशी के नागरिकों, ये मेरी धर्म पत्नी है, मनसा वाचा कर्मणा सत्यव्रत का पालन करने वाली एक उत्तम स्त्री है। सास ससुर और पति की इसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से निरंतर सेवा की है। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। विधि की इस विडंबना को मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। ये दासी बनकर आपकी सेवा करेगी। विनम्रता, सुशीलता और पातिव्रत इसके आभूषण हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी है, इसे दासी के रूप में स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए। सज्जनों, आप कदापि संकोच न करें कि ये महारानी है, परंतु है लाखों में एक। ये दासी बनकर सेवा करने में कोई भी त्रुटि नहीं रखेगी। राजपाट, धन संपत्ति शाश्वत नहीं है, ये काल की धारा में कब और कैसे प्रवाहित हो जाते हैं ये किसी को ज्ञात नहीं। कल ये रानी थी, परंतु आज दासी बनकर आपकी अथक सेवा करेगी। शिष्यों, लगता है कोई दासी बेची जा रही है, चलो चलते हैं। विप्रवर, क्या मैं दासी बनने की योग्य भी नहीं हूँ? मुझे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। किसे बेच रहे हो? कौन बेच रहा है? इस स्त्री को बेच रहा हूँ, बेचने वाला मैं हूँ। ये ठीक है कि तुम स्त्री को बेच रहे हो, कहीं ये कोई पराई स्त्री तो नहीं? नहीं, ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ? क्या कहा? धर्म पत्नी? अपनी धर्म पत्नी? अपनी पत्नी को स्वयं बेच रहे हो? हाँ, अपनी पत्नी को स्वयं बेच रहा है। क्या तुम्हें खरीदना है? खरीदने नहीं आए हैं तो क्या तुम लोगों का दुखड़ा सुनने आए हैं? तो बोलो बोलो, कितना धन दोगे? धन तो देंगे ही, परंतु खरीदने से पहले ये जानकारी आवश्यक है कि ये कौन है, कहाँ की है, किसकी है। बिना जाने खरीदने से राजदंड भुगतना पड़ेगा। महाशय, आप भी कैसे मानव हैं जो अपने ही हाथों अपनी पत्नी को बेच रहे हैं? मनुष्य का पतन इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ये बताइए, अपनी पत्नी को आप बेच क्यों रहे हैं? ऋण चुकाने के लिए। अग्नि को साक्षी बनाकर जिस स्त्री को अपनी पत्नी बनाया, उसकी ये दुर्दशा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये उचित नहीं, अनुचित है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का विचार करने के उपरांत ही मैंने अपने आप को बेच देने का निर्णय किया है। मेरी ही प्रार्थना पर वे ये कार्य कर रहे हैं। आदर्श पति पत्नी हो, जो भी हो, ये कहो कि तुम हो कौन? विप्रवर, मैं हरिश्चंद्र हूँ और ये मेरी पत्नी तारामती है। ये वही हरिश्चंद्र है जो विश्वामित्र का ऋण चुकाने के लिए इन्हें बेचने पर विवश है। हरिश्चंद्र, मेरा एक सुझाव है। हमें आपका सुझाव नहीं चाहिए, हमें तो केवल इतना बता दीजिए कि आप इन्हें खरीदेंगे या नहीं।
कौन हो जी, हर बात में अपनी टांग अड़ाने वाले? कहीं विश्वामित्र के प्रिय शिष्य नक्षत्रक तो नहीं हो? आपने ठीक पहचाना, मैं वही नक्षत्रक हूँ। मेरा सुझाव तुम्हें नहीं हरिश्चंद्र को है। सुनो, ये ठीक है कि तुम्हें विश्वामित्र का ऋण चुकाना है, परंतु इसका कोई आधार प्रमाण या साक्षी नहीं है। जब ऐसा है तो केवल अपना वचन निभाने के लिए क्यों इतने कष्ट उठाते हो? मैं तुम्हें अभी राज्यसभा ले जाऊंगा और प्रमाणित कर दूंगा कि तुम ऋणदाता नहीं हो। असत्य मार्ग पर चलना पाप है, सत्य भगवान का रूप है। उस सत्य से विचलित हो जाने से अच्छा है हम अपने प्राण त्यागते हैं। सुना आपने हरिचंद्र के वचन? ये आपके प्रलोभनों में आने वाले नहीं है। तो भुगतने दे से अपने कर्मों का फल। हाँ, कहो क्या मूल्य, क्या मूल्य इसका? कोई बलवान हाथी पर चढ़कर एक रत्न जितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, उतनी ऊंचाई तक की धन राशि चाहिए। इतना धन? हो, मुंह खोले क्यों रह गए? बंद कीजिए, बंद। बड़े आए थे खरीदने वाले। अरे मूर्ख, मुझे समझ क्या रखा है? भगवान विश्वनाथ से अधिक संपन्न हूं मैं। इस दासी को हमने खरीद लिया है, आओ मेरे घर आकर अपना धन ले जाओ। स्वामी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने चाहा तो फिर। देवी, किस मुंह से तुम्हें जाने की आज्ञा दो, परंतु करूं क्या? विधि के बल के सम्मुख हमारी क्या चल सकती है? दासी, चलो चलो बालक। ये क्या विप्रवर, मैंने तो केवल अपनी पत्नी को बेचा है, पुत्र को नहीं। देखो, जहाँ गाय है वहीं बछड़ा भी होगा, माता के साथ पुत्र भी चलेगा। चलो, पत्नी को भेज रहा हूँ, पुत्र को भी काल सबके मुंह में भेज दूँ। स्वामी, ऐसी अमंगल बात है आपके मुंह से। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते रोहित, माँ के साथ जाओ, तुम्हारा माँ के साथ रहना ही उचित है। तुम यही रुको, मैं धन लेकर आता हूँ। माते, चलिए। मैं जा रही हूँ, परंतु इस विश्वास के साथ कि हम अवश्य फिर से मिलेंगे। मैं जाऊंगी भी इसी विश्वास पर। तारामती दासी बनी रोहिताश्व भी दास, हरिश्चंद्र ऋण मुक्ति हित बिकने खड़ा उदास। अपने गुरु के बड़प्पन की चर्चा की तो मेरे क्रोध का पारा चढ़ जाएगा। तेरे गुरु ने किया ही क्या है? ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति सब मेरे ही भाग्य का फल है, जिस पर वे आज इतना इतरा रहे हैं। मेरे पदार्पण से ही उनके भाग्य के द्वार खुले हैं। वो भूखा निद्रा देवी की गोद में सोया होता अगर मैं नहीं होती। सत्य तो यही है, और आप सत्य बोलने में कभी झिझकती भी नहीं है। आ देखिए, बातों बातों में गुरुजी भी आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? व्यस्त तो इतना रहते हो कि मानो राज्य का सारा शासन भार तुम ही संभाल रहे हो। तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं कि घर में तुम्हारी पत्नी खाए बिना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। देखो, व्यर्थ का घूमना बंद करो। मेरी कलह कंठी। क्या कहा? मेरी कलकंठी, बात यह है कि माता, उधर तो देखिए।
यह भागिन कौन है? इस दरिद्रता की सजीव प्रतिमा को कहां से उठा लाए? ये क्या मेरे सर पर सवार होने आ गई? तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है जो पराई स्त्रियों को घर ले आने लगे? एक पल भी विलंब किया तो? रुक जाओ मेरी नयन सुख, तुम तो जानती हो मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचता, तेरे ही बारे में सोचता हूँ। इस घर के कामकाज से तुझे विश्राम नहीं मिलता, तुझे घर का काम करता देखकर मेरा मन दुखने लगता है, इसलिए सोचा कि एक दासी मिल जाए तो अच्छा है। बस इस दासी को ले आया, अब विश्वास हो गया ना तुझे? तेरा ही सोचता हूँ और तेरा ही करता हूँ। मेरी बात पर आप क्रोधित ना होइए माता, आप अपने पति की ऐसी अवहेलना करें, उनसे इतनी कड़वी बातें करें, ये आपको शोभा नहीं देता। पति तो पत्नी का प्रत्यक्ष देव होता है। चुप रह, दासी बनकर सेवा करने आई हो या मुझे हितोपदेश देने आई हो? मुंह से एक शब्द भी निकला तो? हाँ सुनो दासी, अपनी सीमाओं में रहो, सीमा पार करने का प्रयत्न किया तो इसकी जीभ भी नहीं हाथ पांव भी चलने लगेंगे। हाँ उसे समझाओ अच्छी तरह से, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर बैठूंगी। चलो आओ भाई आप। क्या से क्या हो गया? जिनके संकेत मात्र से सहस्त्र दास दासियां उपस्थित हो जाया करती थी, जिनका मुंह खोलने का विलंब था कि सब प्रकार के सुख साधन प्राप्त हो जाया करते थे, उस ऐसी रानी पर ऐसी विपता। हे गुरुदेव, क्या इनके परीक्षाओं का कोई अंत नहीं होगा? ये लो महाराज की मुद्रिका, इसे दिखाने पर तुम्हारा धन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हाँ। धन्यवाद। अब तो मैं गुरु श्री के कार्य से मुक्त हो गया, अब मुझे उनका कोई भय नहीं, कंद मूल फल खाने की भी आवश्यकता नहीं, अब तो मैं केवल विश्राम करूंगा। विश्राम विश्राम विश्राम। कैसा नक्षत्र गुरुदेव? गुरुश्री आप यहाँ पर पधारे? क्यों नहीं, उस हरिश्चंद्र को इतना सुलभ छोड़ दूंगा जिसने मेरी पुत्रियों का तिरस्कार किया। उससे जाकर पूछो कि वो हमें हमारा ऋण चुकाएगा कि नहीं। ऋण? कैसा ऋण? हरिश्चंद्र ने तो अपनी पत्नी को बेचकर आपका ऋण चुका दिया है। गुरुवर, हरिश्चंद्र जैसा सत्यव्रती इस त्रिलोक में तो कोई होगा ही नहीं, उससे असत्य कहलवाने के मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। गुरुवर अब हम आश्रम चलेंगे। हम आश्रम तभी चलेंगे नक्षत्रक, जब हमारा धन हमें प्राप्त हो जाएगा। आपका धन तो आपको मिल गया गुरुदेव। वो धन हमारा नहीं है, तुम्हारा है नक्षत्र। मेरा? वो कैसे गुरुवर? जो धन प्राप्त हुआ है वो तो तुम्हारा पारिश्रमिक है नक्षत्रक। मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए गुरुवर। ये कहने वाले तुम कौन होते हो नक्षत्रक? क्या अपने गुरुश्री की आज्ञा का तिरस्कार करोगे? मैं आपकी आज्ञा का तिरस्कार करूं? ये तो सपने में भी संभव नहीं है गुरुवर। ये हुआ ना शिष्यत्व। जाओ हरिश्चंद्र से कहो कि ये धन नक्षत्रक का है, तुम्हारा है। गुरुश्री का ऋण चुकाना तो अभी शेष है। जाओ नक्षत्रक और प्रयत्न करो, और प्रयत्न करो, और अपने गुरुश्री को विजय माला पहनाओ हरिश्चंद्र से असत्य बुलवाकर। जो आज्ञा गुरुवर। कहां की वो अयोध्या और कहां की वो काशी नगरी, हम कहां से कहां आ गए। अदृश्य उस विधि के हाथों में मनुष्य कठपुतली नहीं तो और क्या है। प्राण से भी निकट पत्नी को बेच दिया, उसे दासी बना दिया, पुत्र से भी बिछड़ गए। ये सब उस परमेश्वर की लीला है, जो होना है होकर ही रहेगा। भगवान मुझे केवल इतनी शक्ति दे कि मैं वचनबद्ध रहूं, पतन के गर्त में ना गिराऊं। ध्यान में निमग्न होने मात्र से ऋण क्या चुक जाएगा राजन? ऋण? कैसा ऋण?
कौन सा अरुण? यही शब्द कहलवाने के लिए मैं और मेरे गुरु व्याकुल थे। कौन सा अरुण, कैसा अरुण, यही पर्याप्त है। मेरे गुरु की जीत हुई और आपकी हार। मेरे गुरुदेव आपसे असत्य कहलवाने में विजयी हुए। अब मैं चला, मेरा काम हो गया। आज्ञा दीजिए। ये आप क्या कहने लगे विप्रवर? अपनी पत्नी को काल कौशिक के हाथों बेचकर मैंने आपका ऋण तो चुका दिया। वो धन थोड़ी पर्याप्त था, वो तो केवल मेरा पारिश्रमिक था। यह अन्याय है लक्षत्रक। यही न्याय है हरिश्चंद्र। आप दोनों अपना अपना स्वार्थ देख ले तो मेरा क्या होगा। रात दिन आप लोगों के साथ लगा रहा, जंगलों में भटकता रहा, भूख प्यास से तड़पता रहा। अगर मैंने अपने श्रम का पारिश्रमिक ले लिया तो कौन सा अन्याय किया राजन। नक्षत्रक, इस स्थिति में मैं आपको क्या दे सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ? ये तो आपके और गुरुजी के बीच की बात है। ऋण गुरुजी को मिलना है, मुझे नहीं। मैं चला। रुक जाइए, ऋषिवर का ऋण चुकाने तक आप यहीं रुक जाइए। मैं अपने आप को बेचकर भी ऋषि का ऋण अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा।
आइए आइए पुरवासियों, मैं एक बलवान कर्मठ रुष्ट पुष्ट दास को बेच रहा हूँ। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दीजिए, 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 न जाने दीजिए। विप्रवर, आपकी सहन शक्ति की प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जाता। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रयत्न में लगा हुआ हूँ मैं, और आप मेरे लिए कष्ट पर कष्ट झेलते चले जा रहे हैं। मेरे कष्टों की चिंता मत करो, बस मुझे मेरे गुरु श्री का ऋण दिलवा दो। इसी प्रयत्न में तो लगा हुआ हूँ नक्षत्रक, मैं तो अपने आप को बेचने के लिए सन्नद्ध हूँ, परंतु यहाँ तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। आप मेरी व्यवस्था देख तो रहे हैं। वो देखिए, कुछ लोग हमारी ओर आ रहे हैं। ये हमारा साथी बोल रहा था कि किसी मानव को बेचने की बात हो रही है। कौन है वो? मैं बेच रहा हूँ, खरीदोगे? आप? खरीदूंगा क्यों नहीं, हमें अपने अधीन काम करने वाले एक डोम की बड़ी आवश्यकता है, जो मरघट में हमारा प्रतिनिधि बनकर कर वसूल करेगा। परंतु सुन लो कान खोल कर, हम बहुत कठोर है काम निकालने में। डोम का कार्य मैं करूंगा, मैं जो भी कार्य स्वीकार करता हूं उसे पूरी निष्ठा से करता हूं, पूरे उत्तरदायित्व से करता हूं। महाशय, आप मुझे खरीद लीजिए। अच्छा, ये तो बताओ तेरा मूल्य क्या होगा? हट, मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। कोई बलवान हाथी पर चढ़ अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक रत्न ऊपर फेंके तो वो रत्न जितनी ऊंचाई तक जाएगा उतनी ही ऊंचाई तक की धनराशि चाहिए मुझे। इतना धन? अरे चल चल चल, क्या तारीख का मटका समझ रखा है खरीदने के लिए? तुझे क्या मालूम कि ताड़ी होती क्या है, उसे पीने पर कितना आनंद आता है। उसे पीकर देखो, ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा। हाँ? अरे मुझे ना तो तेरे साथ जाना है ना तेरे साथ बैठकर ताड़ी पीनी है। अब बोल, खरीदेगा या नहीं? जब खरीदने आए हैं तो हम खरीदे बिना थोड़े ही चले जाएंगे, हम पीठ दिखाने वाले मनुष्यों में नहीं है। समझ लो खरीद लिया, परंतु ये बोलो हमारे इस दास का नाम क्या है? हाँ? श्री 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 हरिश्चंद्र सम्राट। क्या कहा? श्री श्री श्री, इतना बड़ा नाम हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा नाम वीर बाहु और हमारे इस दास का नाम वीरदास होगा। तुझे अच्छा लगा वीरदास? आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, और जब आपने मुझे खरीद ही लिया है तब मेरी कोई अपनी इच्छा होनी भी नहीं चाहिए। ठीक कहा तुमने। वीरदास, इधर आ जा। ताड़ी का यह मटका अपने कंधे पर रख।
और ये कंबल भी ले। मरघट चल, वहां मिलता हूं तुझसे। ए ब्राह्मण, मेरे साथ आ, धन दे देता हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अपने आप से घृणा हो गई है राजन, मैं बड़ा लज्जित हूँ अपने कर्मों से। कर्म कर्ता पूर्ति के साधन होते हैं और मैंने उन्हीं कर्मों में रत रहकर आपको अनेक कष्ट पहुंचाए हैं और वे सारे कष्ट आपने हंसते हंसते झेल लिए। अपना वचन निभाने के लिए आपने अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी को बेच डाला, पुत्र से बिछड़ गए। आप जैसा सत्यव्रती, सद्गुणशील, त्यागी राजा न कभी हुआ है न होगा। इतिहास आपको सदा स्मरण रखेगा। आप धन्य है राजन, धन्य। चलो ब्राह्मा। अरे ओ पिशाचिन, कुएं के पास ही पड़ी रहेगी या कुछ काम करने का नाम भी लेगी? अभी आई माता। अब बस भी करो विनय का ही अभिनय। जानती है, घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं और वस्त्रों की धुलाई करनी है। ये सब करोगी कब? याद रखो, तुम्हें ये काम करने के लिए ही हमने अपार धन देकर खरीदा है। अरे बछड़े ने सारा दूध पी लिया और किसी ने देखा तक नहीं। अरे ओ नास मिटे, यही चुपचाप बैठे देख रहे हो, क्या अंधे हो गए हो? माता इसे ना पीटिए, ना पीटिए माता। ना पीटू तो क्या करूं? गोद में लेकर लोरी गाओ, इसका माथा चूमू या आपके सिर पर बिठाकर नाचू? मत तविलिए भागा। मनुष्य की अंतिम यात्रा का अंतिम सोपान, प्राणहीन शरीर की रूपरेखाओं का यही अंत हो जाता है। इस मरघट में न जाने कितने राजाओं की अंतिम क्रियाएं हुई होंगी, जिन्होंने रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठकर अपने क्षणभंगुर जीवन को अमर समझा, अपने वैभवों को शाश्वत माना। न जाने कितनी नई नई ब्याही वधुओं की मधुर कल्पनाएं, उनके सुंदर भविष्य के सुनहरे सपने इस मरघट की मिट्टी में मिल गए होंगे। संतान की मृत्यु पर माताओं के आंसुओं से न जाने यहां के कितने पत्थर पिघल गए होंगे, कितने ही प्रख्यात कवि, कलाकार और चित्रकार यहां सदैव के लिए विश्राम करते होंगे।
ये मरघट एक शाश्वत सत्य है, मनुष्य की अनश्वरता का प्रतीक। न जाने मेरा भी कैसा भाग्य है जो मृत्यु के पूर्व ही मुझे यहां खींच लाया है। वीरदास, देख लिया मरघट अच्छी तरह से? यही मेरा क्षेत्र है जहां कार्यरत रहकर मैंने धन अर्जन किया है, और इसी धन अर्जन से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु तुमने तो अपने और अपने परिवार के बारे में कोई विवरण ही नहीं दिया। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वे सकुशल हैं। परंतु हैं कहाँ? दुर्भाग्य ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम नदी के वो दो तट हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। मेरी विवशता ने मुझे मेरी पत्नी और पुत्र को बेचने पर बाध्य कर दिया। अब वो एक धनी के यहाँ दासी बनकर काम कर रही है। जीवन के ये उतार चढ़ाव, ये ज्वार भाटे बहुत ही विचित्र होते हैं वीरदास। परंतु मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ये कारभार बड़ी सतर्कता से संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्त्री और संतान की कोई झंझट नहीं है। हाँ। सुनो, तुम तो जानते ही हो कि मनुष्य के कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, किंतु मृत्यु उसके लिए अटल सत्य है। ऐसे मृत्यु दंडित लोगों के शव यहां जलाने के लिए लाए जाते हैं। कर के रूप में तुम्हें वसूल करना पड़ेगा एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। इनको वसूल किए बिना यहां का क्रियाक्रम होगा ही नहीं। जो आ गया। अपना कर्तव्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाओ। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मुझसे सहन नहीं होगी। हाँ, जो आ गया। अभी तक रसोई का काम पूरा नहीं हुआ, भूखा रखकर हमें मार डालना चाहती हो? तुमने तो हमारी शांति छीन ली। अभी हो जाएगा माता। अब तक क्या करती रही अभागन? तुम जैसी नीच स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे मार डाला रे। हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतना मूल्य देकर तुम्हें खरीदा। ध्यान से सुनो, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी समय कम हो गई। तेरी मीठी मीठी बातों से मेरी सारी पीड़ाएं आप ही अब दूर हो जाती हैं। मैं सदा इतना क्रोधित क्यों रहती है माँ? हमारा दुर्भाग्य है पुत्र, ये दुर्भाग्य उनसे ऐसा कहलवाता है। माँ, हम यहाँ से कब चले जाएंगे? माँ, तुम्हारे पिताश्री हमें शीघ्र ही ले जाएंगे। तुम सो जाओ पुत्र, सो जाओ, नहीं तो वो डांटेगी। Oh
वीरदास अभी सोए और अभी सुबह भी हो गई। रात को आप शीघ्र ही सो गए थे यजमान। तो रात भर मेरे पैर दबाते ही रहे? ये तो मेरा काम है यजमान। वीरदास तुम बड़े काम के जीव हो। दास हो तो ऐसा हो, तेरी कितनी भी प्रशंसा करूं कम है। आगे जाकर लोग कहते ही जाएंगे कि यजमान हो तो वीर बाहु जैसा और दास हो तो वीरदास जैसा। हाँ, भाग फूटे तेरा। उठ उठ रे नास पीटी, उठ उठ रे उठ। दया रे दया, क्या गपशप कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें काम ही क्या है? ताड़ी पीते हो और खर्राटे लेकर सो जाते हो। दास, तुम्हारी बुद्धि क्या घास चिरने गई जो इनके साथ बातों में लगा रहा? तू जानता नहीं, सवेरे सवेरे मुझे ताजी ताड़ी चाहिए। जाओ जल्दी एक मटका ताड़ी ले आओ। जी वीरदास, तुमने कभी ताड़ी पी है? नहीं यजमान। नए मटके में नई नई ताड़ी हो और साथ में नई नई चोरी। वाह आनंदी आनंद। वीरदास, इनकी बातों में नहीं आना। जा मेरे लिए ताड़ी ले आ ताजी। जी तैयार है दैया। हाँ घुटे केरा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। इतना साहस हमारे साथ उठने बैठने का? ये धैर्य? भूख लगी है माँ जी। भूख लगी है तो घास खाओ, भूसा खाओ। कलकंठी अपना मुंह बंद रखो। चलो चलो। क्या हो गया वीरदास, मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? आया मटका कंधे से गिर गया और फूट गया यजमान। दैया रे दैया, भाग फूटे तेरा। मटका गिरा कैसे? डाली से लगकर। हाँ, ये तो बड़ा नर्थ हो गया और वो भी सवेरे सवेरे। दैया रे दैया, ये तो बहुत बुरा शगुन है। इतना भय क्यों खाती हो? क्या हो गया, मटका ही तो फूटा है ना? दैया रे दैया, नया मटका फूटा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पत्नी विपत्ति में है। ताड़ी नीचे गिरी तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुत्र के प्राण संकट में है। दैया रे दैया, क्या कर दिया तूने? मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर देने से ये विपत्ति कैसे टलेगी? मुझे और मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो? मटका फोड़ा है इसने और विपत्ति तुम पर कैसे आएगी? हा? तो इसी की पत्नी और इसी के पुत्र पर विपत्ति की बिजली गिरे, बस हमें कुछ ना हो, इसी का भाग फूटे। ए, क्यों बोलती है ऐसा? शिव शिव, ऐसा मंगल ना हो। हे देवताओं, मेरी पत्नी और पुत्र की रक्षा करना।
कितनी निर्दयता से पीटा है माता ने, परंतु करें क्या, अपने भाग्य को दोषी ठहराने के सिवा और क्या कर सकते हैं? भूख लगी है माँ। माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि वह अपने पुत्र को पेट भर खिला भी नहीं सकती, उसके योगक्षेम का आवश्यक प्रबंध भी नहीं कर सकती। हे भगवान, किस पाप का दंड में भुगत रही हो? कुछ खाने को दो माँ। कौरवा, तेरी ममता का क्या वर्णन करूं? बस बहुत हो गया। इतना मूल्य देकर तुमको इसलिए खरीदा कि तुम दोनों खाओ पियो और निश्चिंत पड़े रहो। रात का बासी अन्न इसे खिला रही थी। चलते हैं माता। तू भी जा। ये तो बालक है, इससे ये काम नहीं होगा माता। चुप रहो, ये तेरे साथ अवश्य जाएगा। माँ जी, उस पर दया कीजिए माँ जी, वो बालक है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। आहा, राजकुमार जो ठहरा, उसे जाना ही होगा। उसे ना जाने दीजिए माँ जी, उसका काम भी मैं ही कर दूंगी। काम नहीं कराऊंगी तो हमारा धन हमें कैसे प्राप्त होगा? माँ, मेरी चिंता मत करो, मुझे भी जाने दो ना। कैसे जाने दो पुत्र, कैसे जाने दो? बंद करो ये नाटक और ले जाओ उसे भी। उधर के देखती है, तू अंदर जा, घर का काम संभाल। रोहित, तुम यहीं बैठो। क्यों? तुम तो बालक हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। माता से हम कह देंगे, तुमने भी काम किया है। असत्य बोलना पाप है, मैं माता को वंचित नहीं करूंगा, मैं भी काम करूंगा। चलो।
प्रणाम नागराज। हरिश्चंद्र का पुत्र अरण्य में कुश चुन रहा है, उसे जाकर डस लो ताकि वो मर जाए। ऐसा ही करूंगा ऋषिवर। सर्प ने डस लिया। ज्ञानेश्वर मां को अवश्य भेजना। चलो इसकी मां से कहेंगे। रोहित ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं। उसे जंगल ना जाने देने के मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। सुकोमल वह बालक न जाने कितनी यात्राएं झेलता होगा। संध्या हो गई परंतु अब तक लौटा भी नहीं। कहीं किसी विपत्ति में देवताओं इक्ष्वाक वंश के अंकुर की रक्षा करना। हे मेरे कुल देवता सूर्य भगवान, हर आपदा से उसकी रक्षा करना। ज्ञानेश्वर मेरा रोहित कहाँ है? कैसे बताऊं, क्या बताऊं? बताओ मेरा रोहित कहाँ है? एक सर्प ने उसे डसा है माता। आकाश टूट पड़ा है क्या? हाँ, मुझ पर आकाश ही टूट पड़ा है। अरण्य में गए मेरे पुत्र को सर्प में डस लिया है। मुझे अभी अरण्य जाना है। जाओ। तू तो सदैव काम से बचने के उपाय ढूंढती रहती है। क्या तू नहीं जानती कि हमने तुझे कितना धन देकर खरीदा है? मुझे जाने की अनुमति दीजिए, जाने की अनुमति दीजिए माता। पहले चावल कूटो फिर देखने जा तेरा पुत्र जीवित है या मर गया। No!
माता, माता काम हो गया है, मैं जा सकती हूँ? पांव दुख रहे हैं तब आ देना, जब सो जाऊंगी तो चली जाना। शमशान जाना पड़ेगा और इसकी अंतिम क्रियाएं स्वयं करनी पड़ेगी। मां के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, क्या होगा?
ये काली रात्रि कितनी निस्तब्ध है, कितनी भयानक लग रही है। घनघोर घटाओं से भरे आकाश में एक भी नक्षत्र दिखाई नहीं दे रहा। मानो ये मेरे जीवन का ही प्रतिबिंब है, दर्पण है। कहां वो अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र और कहां ये मरकट का डोर, कहां वो सारा वैभव और कहां ये दरिद्रता। मैं भी किस सोच में पड़ गया। हे भगवान, मुझे मेरे लक्ष्य में स्थिर रखना, जिससे मैं अपने धर्म पथ से कभी भी विचलित ना हूं। किसी स्त्री के विलाप करने का स्वर सुनाई दे रहा है। जो भी हो, अपने स्वामी के दर्शाए मार्ग पर चलोगे। अपने हृदय को पाषाण बनाकर धर्म निभाओगे। इन बुझी हुई लकड़ियों से अपने पुत्र का दहन करोगे। अरे कौन है वहां जो बिना कर दिए ही शव की अंतिम क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है? इस मरघट के एकाधिपति श्री वीरबाहु के दास वीरदास के होते हुए यहां शव को जलाने का प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन हो तुम? एक स्त्री होकर इतना साहस? आधी रात के इस घने अंधकार में छुपे छुपे दहन क्रिया करना चाहती हो? इस वीरदास के होते हुए यह संभव नहीं। कैसे मरा तुम्हारा यह पुत्र? मैं एक धनी के यहां दासी के रूप में बेच दी गई। इस दासी पुत्र को उसकी गृहिणी ने खुश लाने को इसे अरण्य भेजा, तो वहां इसे सर्प ने डस लिया। ध्वनि सुनी सी लगती है। ये कथा भी हमारी कथा से ही निकट लगती है। मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि अपनी ही पत्नी और पुत्र का अशुभ सोचने लगा। सुनो नारी, तुम्हारी कथा बहुत ही करुणाजनक लगती है, परंतु कर चुकाए बिना तुम शव की अंतिम क्रियाएं नहीं कर सकते। कर? एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कर कहां से दूंगी? तो एक काम करो, अपने यजमान से धन मांग कर ले आओ।
मेरे यजमान दयालु हैं, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही कठोर स्वभाव की है। उनमें दया करुणा सहानुभूति तो नाम मात्र भी नहीं है। यह सच हो सकता है, परंतु मैं भी तो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास कुछ तो होगा। सच मानिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। असत्य पर असत्य क्यों बोले जा रही है? तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है वो अवश्य सोने का होगा। उसे बेचो और अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं करो। क्या कहा? तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है उसे बेचो। सूर्यवंशी अयोध्या राज्य के कुलगुरु वशिष्ठ के तपोबल से प्राप्त ये मंगलसूत्र इस चांडाल को कैसे दिखाई पड़ा जिसे कोई देख नहीं सकता? कहीं ये मेरे पतिदेव श्री हरिश्चंद्र तो नहीं है? हाँ, अवश्य ही वही है। प्राणनाथ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी धर्मपत्नी तारामती हूँ। स्वामी, आप और इस मरघट के डोम, आपकी ऐसी दुर्दशा, हम पर विधि का इतना बड़ा अट्टहास, भाग्य का ऐसा प्रकोप, देखा स्वामी, आपका लाडला पुत्र रोहित मृत्यु की गोद में कैसे निश्चिंत सो रहा है। रोहित, मेरे प्रिय रोहित, रोहित, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हें मृत देखने के लिए ही क्या हम जीवित थे? अब इस निरर्थक जीवन से क्या लाभ? अरे, इससे अच्छा तो यही होता कि हम भी तेरे साथ साथ मर जाते। अब शांत होइए सोनी, शांत हो जाइए। दुख के भार से झुककर अपने कर्तव्य परायण जीवन को कलुषित न कीजिए। अब हमें अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं समाप्त करके अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ देवी, क्षण भर के लिए मैं पथभ्रष्ट हो गया था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था कि तुमने मुझे सचेत कर दिया। इस शव को जलाने के लिए मैं अपने भाग का चावल तो छोड़ दूंगा, किंतु मेरे यजमान के भाग में जो मिलना चाहिए वो मिलने पर ही एक क्रियाकर्म संपन्न होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप इस शव की रक्षा करते रहिए, मैं अपने यजमान से धन ले आने का प्रयत्न करूंगी।
हाँ? इस राक्षसी ने ही राजकुमार की हत्या की। नहीं, मैंने इसकी हत्या नहीं की, मैं विश्वास करो। इसे महाराज के पास ले चलेंगे। महाराज, इसने राजकुमार के आभूषणों की चोरी की है, राजकुमार की हत्या की है। इसका शरीर धड़ से अलग किया जाए। दास, यजमान आप? हीरे जवाहरात और आभूषणों के लिए इस हत्यारिन ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा की आज्ञा है कि इस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो हत्यारिन है। ले आओ उसे। ये स्त्री और हत्यारे असंभव। संभव और असंभव के निर्णायक तो राजा है, और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे दास होने के नाते तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इस स्त्री का वध करो। लो इसे। हाँ, जो आज्ञा। जैसी नारी शिरोमणि और पतिव्रता पर ऐसा आरोप, ऐसा कठोर दंड, ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है। ये सब कैसे हुआ तारावती? स्वामी, मैं यजमान से धन की भिक्षा मांगने जा रही थी कि राजकुमार के शव से मेरा पैर लग गया। मैं आश्चर्य से देख ही रही थी कि सैनिकों ने आकर मुझे पकड़ लिए और राजा के पास ले गए। राजकुमार के आभूषणों की चोरी और उसकी हत्या के अपराध में राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया देवी? हम पर इस प्रकार प्रहार पर प्रहार क्यों हो रहे हैं? हम पर ये वज्रपात क्यों? परंतु दैव इच्छा के सम्मुख हम कर भी क्या सकते हैं?
अपने यजमान की आज्ञा का पालन करके मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। स्त्री हत्या का पाप भी करूंगा। ये दोष तो मेरा है स्वामी, आप अपना धर्म निभाइए और मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कीजिए। तारामती, तुम मेरे सर्वस्व हो, अर्धांगिनी होकर तुमने मेरे जीवन को सजाया है, संवारा है, चरितार्थ किया है। तुम्हारे अटल विश्वास, श्रद्धा और सहयोग के बिना मेरा जीवन लक्ष्य अपूर्ण हो जाता। अपने कर्तव्य को पूरा करना इस हरिश्चंद्र का परम धर्म है, और अपने धर्म को ना निभाकर मैं तुम्हारा जीवन कलुषित नहीं करना चाहता। इस शिला पर बैठकर भगवान से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। पुरुषोत्तम, सत्यव्रती, वचनबद्ध श्री हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होने का भाग्य जन्म जन्मांतरों तक मुझे प्राप्त हो, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रुक जाओ हरिश्चंद्र, अपनी धर्म पत्नी का वध अपने ही हाथों करने पर तुल गए, ये तो घोर पाप है, इससे तुम्हें प्राप्त होगा क्या? तृप्ति, आत्म तृप्ति। तृप्ति? इससे तृप्ति कैसे होगी? सत्य का पालन मैंने हर स्थिति में दृढ़ संकल्प से किया, अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, अपराधिन ठहराई गई पत्नी का वध करने में भी मैं संकोच नहीं कर रहा हूं। अपनी सच्चरित्रता प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को इससे उत्तम अवसर और क्या प्राप्त होगा? इससे बढ़कर तृप्ति और क्या होगी कि विधाता प्रदत्त जीवन को मैंने निर्मल और पवित्र ही रहने दिया। इतना वैरागी न बनो हरिश्चंद्र, जीवन के प्रति ऐसी निर्दयता, अपने कर्तव्य पालन की ऐसी निष्ठा मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मेरा कहा मानो, मेरी मातंगी कन्याओं से विवाह कर लो, कह दो कि तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। ऋषिवर, यही निर्णय मेरा अंतिम निर्णय है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर पाप नहीं करूंगा। धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम्हारा चरित्र दिव्य है, भव्य है, तुम आदर्शों के आदर्श हो, स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें रचकर पुनीत हो गए। तनिक वहां देखो, हे
किसने तुम्हारी पत्नी को खरीदा है? ये स्वयं शिव और पार्वती थे जो काल कौशिक और उनके पत्नी बनकर पृथ्वी पर उतरे थे। वो देखो, किसने तुम्हें दास बनाया है? वो स्वयं यमराज थे जो वीर बाहु बने। इंद्रलोक में संपन्न समस्त देवताओं के सम्मेलन में सत्य के व्रत को लेकर जो तर्क वितर्क हुआ, उसी का फल है कि तुम हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र, तुम्हारे कुलगुरु होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। विश्वामित्र, अब तो मान गए ना कि सत्य का व्रत असंभव नहीं, संभव है। शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं ऋषिवर, स्वयं हमारा उदाहरण लीजिए। हम राजा से राजऋषि और राजऋषि से महर्षि नहीं बने, अब हम ब्रह्मऋषि भी बनकर दिखलाएंगे। तो फिर आपने उस दिन दांव क्यों लगाया? ब्रह्मऋषि, आप तो जानते हैं कि देवता सदा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और मानव के भाग्य का निर्णायक मानते आए हैं। उनका विचार है कि मानव सुगमता से प्रलोभनों के पाश में जकड़ा जा सकता है, उसके विश्वास, चरित्र और निष्ठा को पानी की तरह पिघलाया जा सकता है। परंतु हरिश्चंद्र ने प्रमाणित कर दिया है कि देवताओं की धारणा आधारहीन है और उनका दंभ खोखला। आप ये बताइए कि देवताओं में ढूंढने पर भी कहीं हरिश्चंद्र जैसा सचरित्र और सत्यव्रती मिलेगा? ये तो मैं पहले से ही कह रहा था। आप तो केवल कह रहे थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, हमने तो सिद्ध करके दिखलाया है आज। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर हमने सृष्टि के सम्मुख सत्य, आदर्श और चरित्र का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चिरस्थाई रहे। अपने आधे तपोबल के साथ आज हम तुम्हें तुम्हारा पूर्व वैभव, धर्म पत्नी और पुत्र लौटा रहे। रोहित, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। गायत्री के आशीर्वाद से कौशिक वंश का विश्वरथ विश्वामित्र बना। ये तेजस्वी और यशस्वी योद्धा राजा से राजऋषि, राजऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्मऋषि हुआ। अपने इस लक्ष्य सिद्धि के लिए जीवन भर वो संग्राम करता रहा। ब्रह्मा ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि घोषित किया, परंतु विश्वामित्र का आग्रह था कि वशिष्ठ ही उन्हें ब्रह्मऋषि घोषित करें। जिस वशिष्ठ से ब्रह्मऋषि बनने की प्रेरणा उसे मिली, उसी वशिष्ठ ने समस्त देवताओं के सम्मुख मुक्त कंठ से विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि घोषित किया। सृष्टि को उसकी देन अपूर्व है। उसने अपने तपोबल से गायत्री का साक्षात्कार किया। जिस राजा सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में आने से देवता रोक रहे थे, उसके लिए एक नया स्वर्ग ही रचा। भरत विश्वामित्र ही का पोता था, जिसके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। देवता अपने को सर्वश्रेष्ठ और मानव को हीन मानते आ रहे थे। हरिश्चंद्र के जीवन के द्वारा विश्वामित्र ने प्रमाणित किया कि मानव होकर भी हरिश्चंद्र अपनी श्रेष्ठता का दम भरने वाले देवताओं से उत्तम एवं सद्गुणी है। बालक राम और लक्ष्मण को वन ले जाकर उन्हें धनुर्धारी और वीर शूर बनाया, उनसे ताटकी जैसे राक्षसों का वध करवाया। राम के चरण स्पर्श से शापग्रस्त अहिल्या को मुक्ति मिली। राम का विवाह सीता से संपन्न हुआ। इन सभी कल्याणकारी कार्यों का सूत्रधार विश्वामित्र ही है। राम सीता विवाह के उपरांत ब्रह्मऋषि विश्वामित्र
सप्त ऋषियों में से एक हुआ। विश्वामित्र का जीवन अनुपम, अद्वितीय और वंदनीय है। सृष्टिकर्ता, लोककर्ता, सर्वकारणकर्ता, विश्वामित्रो ब्रह्मवेत्ता, सृष्टि सृष्टि प्रतिख्याता, महावीरो महातेजो विश्वामित्रो